नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर्स में जानेंगे आज के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और आज का दिन इतिहास में क्यों है खास, इसके बारे में भी जानेंगे। पहला सवाल है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ, ऑप्शन बी है सत्य निष्ठा एक जीवन पद्धति, ऑप्शन सी है ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता, और ऑप्शन डी है सत्य निष्ठा की प्रतिबद्धता। सही जवाब है ऑप्शन बी सत्य निष्ठा एक जीवन पद्धति। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है। सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के बीच मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम सत्य निष्ठा एक जीवन पद्धति है। दूसरा सवाल है, ओडिशा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ लघु किसान की सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन, और ऑप्शन डी है IMF। सही जवाब है ऑप्शन है विश्व बैंक। ओडिशा सरकार ने विश्व बैंक के साथ लघु किसानों की सहायता के लिए $165 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ओडिशा के 15 जिलों के 1,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। तीसरा सवाल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 58वां स्थापना दिवस था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस देश के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद ही की गई थी CRPF अधिनियम के अंतर्गत। चौथा सवाल है, ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजन 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में निवेश को आकर्षित करना है। पांचवा सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को ₹15,000 प्रदान किए जाएंगे। सरकार इस धनराशि को कई चरणों से लाभार्थी के खाते में भेजेगी। यह राशि कई उपलब्धियों जैसे टीकाकरण 1, 5, 9 तथा ग्रेजुएशन में एडमिशन इत्यादि के अवसर पर दी जाएंगी।